मेरा बेटा कभी रहम नहीं करता, बुरे लोग उसके शिकार हैं और हम उनके शिकारी। शाहरुख खान की जवान 2 को अब रिलीज होने में कुछ ही समय का वक्त रह चुका है। उससे पहले जवान फिल्म के गाने हैं जो दमादम मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं और अब आ चुका है गानों के साथ ही जवान का ट्रेलर जो मार्केट में आते ही ने काफी अच्छे व्यूज प्राप्त कर रहा है। यूट्यूब के ऊपर उसको आते ही ने कुछ ही समय के अंदर मिलियंस पर व्यूज चले गए हैं उस ट्रेलर के ऊपर। तो अब शाहरुख खान का ये जो ट्रेलर है जवान का काफी हिट बन चुका है। फिल्म की हाइप जो है मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग पूरे बॉलीवुड के अंदर एक तरफा है। दुबई के अंदर उनका एक अलग नाम है। उनकी फिल्म अब मार्केट में आते ही हिट होने वाली है क्योंकि बॉलीवुड का एक खराब समय चल रहा था 2022 और 23। उनके अंदर बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में आई थी सारी लगातार लाइन से फ्लॉप जाती गई। उसके अंदर एक लौती ऐसी फिल्म थी पठान जिसने मार्केट के अंदर आते ही ने काफी अच्छा नाम कमाया था। 1000 करोड़ के कलेक्शन पार गई थी पठान। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी ने पठान को कर दिया था 1000 करोड़ के कलेक्शन के पार। फिल्म पूरी ब्लॉकबस्टर गई थी। बॉलीवुड के बहुत ही काफी खराब समय के अंदर उस फिल्म ने एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करा था। मतलब यूं आप मान सकते हो कि बॉलीवुड की लाज रख ली थी। तमिल और साउथ की फिल्में मार्केट में हिट हो रही थी और जब बॉलीवुड एक बड़ा नाम है उसकी फिल्में लगातार लाइन से फ्लॉप होती जा रही थी। उसके अंदर बॉलीवुड की इज्जत रखने वाली एक फिल्म थी पठान, वो भी शाहरुख खान की वजह से। अब 2023 में वापस होने वाला है शाहरुख खान का एक बड़ा धमाका, जवान लेकर आ रहे हैं शाहरुख खान। जवान का जो ट्रेलर है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है लोगों को। शाहरुख खान के 2 रूप देखने के लिए अच्छे अच्छे लोग थिएटर घर में आएंगे उस ट्रेलर उस मूवी को देखने के लिए क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म में हिट होना तो बनता है। तो ये फिल्म भी मार्केट में काफ़ी हिट होगी, जल्दी ये फिल्म आएगी। 7 सितंबर फिल्म की रिलीज डेट रखी गई है। 7 सितंबर को आपको ये फिल्म मूवी थिएटर घरों के अंदर देखने को मिल जाएगी और फिल्म का हिट होना बनता है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप कमेंट करना और वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना।